दोस्तों, अगर आप भी राशिद खान और विराट कोहली को सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को हराकर राशिद खान ने लहराया था भारत का तिरंगा, जिसे देखकर पाकिस्तानी उनको आतंकवादी तक कहने लगे, जिसे सुनकर अनुष्का शर्मा का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया और गुस्से से लाल पीले होकर अनुष्का ने पाकिस्तानियों को लताड़ लगाते हुए पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा कर रख दिया और राशिद खान के लिए कहा ऐसा कुछ जिससे जीत लिया करोड़ों भारतीयों का दिल। तो आकर अनुष्का ने ऐसा क्या कुछ कहा जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे और इन दोनों को सलाम करने लगेंगे, यह सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है राशिद खान, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा में सबसे खतरनाक ऑलराउंडर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, राशिद खान ने भी नहीं सोचा था कि भारत का तिरंगा लहराने पर इतना कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन भारत में इनको बहुत प्यार मिल रहा है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान उनकी हरकतों पर पूरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से करारी धूल चटाने के बाद पूरे स्टेडियम में भारत का झंडा लेकर चक्कर लगाया था और जीत के बाद नारे लगाए थे, जिसे देखकर पाकिस्तानियों के खून उबलने लगे हैं। कई जगह से उन्हें धमकी आ रही तो कोई उन्हें गाली दे रहा है, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हर कोई अपने मन के अनुसार काम करता है। भारत का तिरंगा लहराना कोई पाप नहीं है। राशिद खान ने जो किया करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। उन्हें भारतीय फैंस के द्वारा बहुत सम्मान और प्यार दिया जा रहा है, हर कोई उनके सपोर्ट में खड़ा है। लेकिन वहीं राशिद खान यह सब सुनकर पूरी तरह से भावुक और निराश हो गए। उनकी आंखों में आंसू भर चुका है और अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन उनका साथ देगा। वहीं पाकिस्तानियों की धमकी का पूरी तरह से डर चुके हैं, वह हर किसी से बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं। इस मुद्दे का पाकिस्तान केवल सर दर्द बनाए हुए हैं। अब तो राशिद खान के झंडा फहराने पर पाकिस्तान उन्हें आतंकवाद बता रहा है और उनका कहना है कि किसी विदेश का झंडा लहराना पाप है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। और राशिद खान का वह एक आतंकवाद है, यह सब करके राशिद खान को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन यह सब खबर दुनकार, दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा आग बबूला हो गई और गुस्से से लाल पीला होकर पूरे पाकिस्तान में अपने बयान से हड़कंप मचा दिया, बल्कि हर किसी को चेतावनी भी दे डाली है। राशिद खान को लेकर ऐसा बयान जारी कर दिया जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत उन्हें सलाम कर रहा है। आखिर कैसे अनुष्का शर्मा राशिद खान के सपोर्ट में आकर हर किसी को हैरान करके रख दिया, ऐसा बयान दिया जिससे वह पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा राशिद खान का बचाव करते हुए पाकिस्तानियों को खुली धमकी देते हुए बयान दिया कि राशिद खान एक महान खिलाड़ी हैं, उन पर झूठी अफवाह उड़ाना बेहद गलत है, ये पाकिस्तानियों की नीची हरकत है, उन्हें कितना भी समझा डालूं अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। राशिद, तुम बिल्कुल भी चिंता न करो, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। आपने तिरंगा लहराकर कोई गलती नहीं की है, ये आपका बड़म्पन है कि आपने भारत के तिरंगे को लहराकर पूरे स्टेडियम में चक्कर लगाए। मैंने राशिद खान जैसा शानदार इंसान और गेंदबाज नहीं देखा, वह सच में बहुत ही अच्छे और नेक दिल के इंसान है। IPL में भी शानदार प्रदर्शन करते हैं, उनके चाहने वाले फैंस बहुत ज्यादा है इंडिया में, इसीलिए उन्हें हर कोई प्यार देता है। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरह से अनुष्का शर्मा ने अपने बयान से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और राशिद खान में कौन सबसे खतरनाक ऑलराउंडर है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।